देखिए पुल के जो स्थिति है, लगातार पांचवा पुल गिर गया, चौपट है। यहाँ जो एस्टीमेट बनता है, एस्टीमेट घोटाला से लेकर, और जो भ्रष्टाचार है, पीसी कमीशन खोरी, इसके चलते काम में गुणवत्ता नहीं होती, ठेकेदार क्या करेगा, इसी के चलते पुल गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। लगातार जो है नीट प्रकरण को लेकर जो है लगातार विवाद हो रहा है, उसको लेकर कैसे देख रहे हैं नीट प्रकरण? देखिए देश में 24 लाख छात्र छात्राएं परीक्षा दिए और बाधित हो गए, परीक्षा दे दिए। जो मेरिट के लोग थे, गरीब गुरबे जो पढ़ने में मेरिट वाले लोग थे, उनका चयन नहीं हुआ, और जो पेपर लीक हुआ उसमें देखिए माफिया सब लीक हुआ, पैसा वाले का बेटा का हो गया और गरीब रह गया रोड पे। इसीलिए प्रतिपक्ष के नेता जो विपक्षी दल है वो सदन में आवाज़ उठा रहे हैं कि नहीं इस पर चर्चा हो, चर्चा होने के बाद परीक्षा रद्द हो, फिर से परीक्षा किया जाए। लेकिन अभी की सरकार जुबान को दबा रही है, विपक्ष को जुबान को दबा रही है। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता है, आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उनके आवाज़ को दबाया जा रहा है। लोकतंत्र में आवाज़ दबाना अच्छा बात नहीं है, शुभ संकेत नहीं है देश के लिए। उनकी आवाज़ को, माइक को काट दिया जाता है, और जो चलता है उसमें सदन में जो चलता है, मात्र 6 बार ही राहुल गांधी जी को दिखाया जाता है लाइव पर, और 172 बार मोदी जी को दिखाया जाता है। कहाँ है न्याय? न्याय होना चाहिए, देश के हित में कोई सोचने वाला नहीं है, देश रसातल में जा रहा है। जब पत्रकारों के लेकर जो है बिहार में कई पत्रकार की जो है अभी तक निर्मम हत्या हो चुका है, मुजफ्फरपुर में भी हो गया, कैसे देखते हैं इस सभी चीज़ों को? देखिए लॉ इन ऑर्डर चौपट है, कहीं नहीं डेली लूट हत्याएं बलात्कार हो रहा है, पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है, देश के चौथा स्तंभ है पत्रकार, वो भी सुरक्षित नहीं है, कैसे आवाज़ उठाएंगे, गुंडों की आवाज़ कैसे उठाएंगे? अभी कल देख रहे थे एक बीजेपी के नेता हैं जो खुलेआम धांधली दे रहे हैं, ऑडियो में आया है, मोबाइल पे आया है कि हमारा न्यूज कॉलेज के चलाओगे तुमको गोली मार देंगे, ऐसा भी आया है न्यूज देखने में। क्या हो रहा है? कोई सुरक्षित नहीं है इस राज्य में, न इस देश में सुरक्षित है। पत्रकारों के लिए एक नया कानून बनना चाहिए, सरकार उसको 50 लाख रुपया का कम से कम इंश्योरेंस दे, उसके परिवार के सुरक्षा के लिए गारंटी हो, नौकरी मिले, तब जाके गरीब की आवाज़, जनता की आवाज़, किसान की आवाज़, पत्रकार निष्पक्ष रख सकेंगे, नहीं तो आए दिन इसी तरह होता रहेगा, उसके लिए सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। विजय सिन्हा लगातार मतलब लालू राज के हवाला देते हुए कहते थे पहले था जंगल राज, अब नहीं, अब जो है मंगल राज आ गया। ये तो उस समय के ना निकालिए रिकॉर्ड, कितना क्या अपहरण कांड कथी होता था, अभी ना देखिए लोग दोषी देता है लालू राज, लालू राज, अरे लालू राज से 15 बरिस पहले 20 बरिस था, उसके बाद 20 बरिस के बाद उसको सत्ता मिला। आप ना बताइए मंगल राज है कि जंगल राज है, डेली हत्या या लूट हो रही है, पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। आज तो देखे हैं वो अभी हॉस्पिटल चल रहा था ऑडियो में, माने सदर हॉस्पिटल में पुलिस कर्मी को प्राइवेट गार्ड मार रहा है, ऐसा भी ऑडियो चल रहा है। कहाँ कोई सुरक्षित नहीं है इस राज्य में, न इस देश में सुरक्षित, लोग को अपने आप को सुरक्षित रखना होगा। आने वाला समय में क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार? तेजस्वी यादव को जनता धर लिया पूरा, एक एक गरीब गुरबा जनता जो बेरोजगार है, नौजवान है, सब कह रहा है तेजस्वी जी के ही गारंटी, पक्की गारंटी है, मोदी की गारंटी झूठी गारंटी। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।